आप यूट्यूब से 7 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माधव डिजिटल क्रिएटर पर। गाइस, आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत आई है, सीमा हैदर को करीब 9 महीने से ज़्यादा भारत में हो चुका है। इसी बीच सीमा के जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ है, और एक सबसे बड़ी बात कि हर व्यक्ति ये चीज़ जानना चाहता है कि आखिर सीमा हैदर की यूट्यूब से फेसबुक से इनकम कितनी होती है, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है। तो गाइज, आज के इस वीडियोस में सीमा हैदर खुद आपको बताएगी कि वो उसकी जो सोशल मीडिया से अर्निंग कितनी होती है, और कि जब वो पाकिस्तान में थी तब उसकी स्थिति कैसी थी, उसने वहाँ पर क्या क्या दुख देखा, क्या क्या दर्द, वो भी आपको खुद बताएगी। और सचिन मीणा के जीवन में क्या बदलाव हुआ है, सचिन के घर की स्थिति में क्या सुधार हुआ है, वो भी आपको इस वीडियोज़ में पता चलने वाला। तो गाइज, बने रही वीडियो में लास्ट तक। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और ऐसी वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ। गाइस, चलते हैं वीडियो की ओर। ये लोग सालों मेहनत करते हैं, वो कुछ ही दिनों में सीमा हैदर ने हासिल कर लिया है। सीमा हैदर को 13 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है यूट्यूब पर। तो नमस्ते, जय श्री राम। सीमा जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपने ऐसा कौन सा वीडियो डाल दिया, कौन सी रील डाल दी जिसके बाद तहलका मच गया है यूट्यूब पर? और ये सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, देश के कोने कोने में आपके वीडियोस देखे जा रहे हैं। कि हम भी YouTube का अकाउंट बना लें, तो हमने बनाया तो बहुत जल्द कहूँ, क्योंकि हमने बहुत लेट अकाउंट बनाया था, तो 7 से 8 महीनों में हमारे 13 लाख सब्सक्राइबर हो गए। और तो ये प्यार है मेरे भारत के लोगों का, मुझे बहुत प्यार करते हैं लोग, मुझे समझते हैं लोग, मेरी जो मेरी मजबूरियाँ, जो मैंने दुख देखे हैं वो चीज़ें समझते हैं लोग, तभी लोग मुझे प्यार भी देते हैं। और ये जैसे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आकर के मुझे बहुत प्यार देते हैं, तो सब्सक्राइबर से ज़्यादा तो लोग मुझे यहाँ मिल के जा चुके हैं, तो मुझे इतना प्यार देते हैं आए दिन। आज कितना समय हो गया, आज भी बहुत सारे लोग अभी मिलके गए हो गए जी। तो यही तो प्यार है हमारे भारत के लोगों का, और मुझे सब आशीर्वाद भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि हम भाभी आपके साथ हैं, आप चिंता मत करना, आप घबराना मत। यस, तो यही तो मेरी ताकत है, मेरे भारत के लोग जो मुझे प्यार देते हैं। आइडिया कैसे आया कि यूट्यूब का चैनल आपको खोलना चाहिए? आइडिया किसी ने आपको दिया, आपने और सचिन ने मिलकर इसके बारे में सोचा, कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली मुझे ना शुरू से लेकर रील बनाने का बहुत शौक था, सीधी बात है, बट मैं प्राइवेट अकाउंट रखती थी। जब मैं सोशल मीडिया में वैसे ही वायरल हो गई सब, क्योंकि हमारे ऐसा था कि कोई चेहरा ना देखे, इसलिए छुपा प्राइवेट वीडियो बनाती थी मैं छुप के। तो फिर देखा कि मीडिया में वैसे आ रही, तो मैंने अपना इंस्टा का जो अकाउंट था वो पब्लिक कर दिया, जो मेरे पाकिस्तान की वीडियो थी, पुरानी वीडियो थी। तो उसके बाद यूट्यूब भी बना लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत फ़ोन की जानकारी थी, तो मेरा मुझे वैसे रील बनाने का बहुत शौक होता था, तो फिर बना लिया मैंने। ये मेरा ही आइडिया था। तो आप ही का आइडिया था। तो यूट्यूब के अलावा और कौन कौन से सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप हैं? आपने इंस्टाग्राम का भी जिक्र किया, वहाँ पर आपको किस तरीके से फॉलोअर्स का प्यार मिलता है? फेसबुक पर भी हैं आप? जी भैया, फेसबुक पे पेज है हमारा जी। अभी बनाया है, क्योंकि फेक बहुत ज्यादा थे तो हमने खुद भी अपना बना लिया है, तो बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है मुझे सबसे इंस्टाग्राम पे। हाँ, इंस्टा पे तो हम कम चलाते हैं, बस फेसबुक यूट्यूब ज्यादा चलाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है फेसबुक यूट्यूब से, बहुत ही ज्यादा, उम्मीद से भी ज्यादा। अगर मैं कभी रात को 1 बजे वीडियो डाल दूँ ना, तो वो भी 10,000 उस समय की रोज हो जाती है, 1 घंटे के अंदर अंदर। तो बहुत अच्छा प्यार है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो मिलियन में हैं, कुछ वीडियो हैं जो 8 लाख 10 लाख पे हैं, वरना मिलियन से क्रॉस होती है हमारी वीडियो। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे जो पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब अकाउंट बनाया और मुझसे सपोर्ट मांगी, मेरे रबपुरा के लोग, तो उनको मैंने सपोर्ट करी है, तो उनके भी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, 3-3, 4-4 लाख। आपकी वीडियोस तो देखते ही हैं, आपके कहने पर और लोगों के भी वीडियोस देखते हैं, और लाइक और कमेंट और व्यूज की भरमार जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं कि प्यार तो ठीक है, आपको लाइक्स कमेंट्स तो मिल ही रहे, लेकिन यूट्यूब जो है वो एक कमाई का जरिया भी है उन क्रिएटर्स के लिए जो लगातार वहाँ पर कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ से कितनी कमाई कर पा रही हैं आप? अच्छी हो जाती है कमाई, आज हमारा घर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है आज हमारे यूट्यूब। अच्छे का आंकड़ा जान सकती हूँ? अच्छी होती है, इतनी मैं बोल सकती हूँ, ज्यादा नहीं बोल सकती, अच्छी खासी हो जाती है, और YouTube की वजह से हमारा घर परिवार चल रहा है आज। तो मतलब आर्थिक स्थिति में आपके बहुत सुधार आया है, मतलब अगर मैं ये बात कहूँ, शायद गलत ना हो ये, कि सचिन के घर की आर्थिक स्थिति आपके आने के बाद बहुत ज्यादा सुधर गई है, शायद आप लोग नया मकान भी बनवा रहे हैं? अभी तो रूम बनाया, अभी मकान बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, बट फिलहाल हमारा जो घर के हालात हैं कुछ अच्छे हो गए हैं, क्योंकि हमारे घर के जो हालात थे बहुत बुरे थे जी,
तो बस भगवान की कृपा है और लोगों का प्यार है कि अभी कुछ न कुछ हमारा घर जो है ठीक से चल रहा है। ये लोगों का प्यार ही मानूंगी मैं, क्योंकि पता है बहुत लोग मुझे कमेंट करके, ये यहाँ आकर भी दूर लखनऊ से दूर दूर से लोग आते हैं और मुझे कहते हैं भाभी पता है हम आपकी वीडियो बार बार देखते हैं ताकि आपके व्यूज बढ़े और हम आपको पेमेंट मिले, आपका जो अच्छा समय आ जाए, क्योंकि बहुत बुरा समय हम पे था, खाने के भी ना लेते किसी समय में हमें, के रोटी खाने तक के हमारे पैसे नहीं होते थे। तो आज यूट्यूब की बदौलत और भारत के लोगों की बदौलत, क्योंकि भैया ने जब मेरा अकाउंट शेयर किया था तब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट करी मेरी, और आज आज आपके वीडियोस लोग इतना देखते हैं, प्यार देते हैं आपको, तो बहुत सारी खबरें आपको लेकर और बहुत सारे अनुमान भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको लेकर है। उसी में से एक अनुमान ये भी बताता है, कुछ वेबसाइट जो एस्टिमेट करती हैं अर्निंग को आपकी, वो ये बताती हैं कि आप यूट्यूब से 7 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, क्या ये सच है? फेक है, बिल्कुल फेक है जी, ऐसा कुछ नहीं। तो आप इस बात का खंडन कर रही है, तो ये बात बताना चाहेंगे कि लगभग कितना कमा लेते हैं आप, ताकि हम ये समझे कि सीमा हैदर को आखिर कितना प्यार YouTube की तरफ से मिल रहा है। अब लगभग अच्छे खासे आ जाते हैं, बट लाखों में मैं नहीं कहूंगी, बट हमारे घर परिवार अच्छे से चल रहा है, इतनी आ जाते कि हमारा घर परिवार चल जाए, मैं लाखों का नहीं कह सकती, क्योंकि पहले तो हमें YouTube का पता नहीं था। आपको बता दूं मैं, अगस्त के बाद से हमारी पेमेंट आना शुरू हो गई है, शुरू में हमें पता नहीं था कि कैसे होता है, ज्यादा इतनी जानकारी नहीं थी, तो फिर जब सेटिंग वगैरह करवाई तो अगस्त के बाद से हमारी पेमेंट आना शुरू हुई है, बट लाखों में नहीं, ये फेक है, लोग कुछ भी कह देते हैं तो ये बिल्कुल फेक है, हमारा घर परिवार अच्छे से चल रहा है। खुद ही सचिन के साथ मिलकर इस अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं यूट्यूब पे, या आपने किसी को हायर किया हुआ है, कोई और है जो आपकी मदद कर रहा है इसमें? नहीं, मैं खुद ही हैंडल करती हूँ, मैं और मेरे पति जी हैंडल करते हैं, बस हम दोनों ही करते हैं। अब क्योंकि सीमा लगातार आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है, आपने भी इस बात का जिक्र किया, तो सचिन की तरफ से आपको तोहफे भी, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है कि सीमा हैदर ने खुद बताया कि उसके जीवन में क्या क्या बदला हुआ है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चला होगा कि सचिन मीणा के जो घर की स्थिति में क्या सुधार हुआ है। तो गाइज, और इसी वीडियो के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इस वीडियोस की लिंक दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।